पूरे 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 देश में आप लोग सवाल पूछ रहे हैं नेताओं को, क्या आपको इन्विटेशन आया है? आपको आया है? क्या है ये इन्विटेशन? देखिए, एक पार्टी का प्रोग्राम है, भारतीय जनता पार्टी का है। वो राम मंदिर का अगर समारोह होता तो अलग तरीके से बन जाता, वो पवित्र था, वो श्रद्धा का विषय वहां आ जाता, लेकिन अब वो एक पार्टी का विषय बन गया है। सरकार है बीजेपी की यूपी में और दिल्ली में, तो मुझे लगता है प्रभु श्री राम को एक तरह से किडनैप कर दिया। तो हम क्या बैठे हैं क्या इन्विटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलल्ला का दर्शन करने। बीजेपी कौन होती है रामलल्ला का इन्विटेशन देने वाली? भगवान खुद बुलाता है अपने भक्तों को और भक्त खुद पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में। तो ये बीजेपी का 2-3 दिन का जो एक पॉलिटिकल इवेंट है वो खत्म होने के बाद हम जाएंगे भगवान के पास। हमारा रिश्ता है प्रभु श्री राम से। ये जो लोग हैं तो राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति कर रहे हैं, उनका ना राम से नाता है ना उनके विचार से नाता है, ये चुनाव का जुमला है। अब उनको कौन रोकेगा? तो जो करना उनको कर दीजिए। तो इन्विटेशन की बात है, आपको आया क्या, आपको नहीं आया क्या, क्या करना है भाई? कौन जाएगा बीजेपी के इस प्रोग्राम को? बीजेपी का कार्यक्रम उनको करने का। अरे मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं बोला नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है। अपने पार्टी के प्रोग्राम में किसको बुलाना है नहीं बुलाना है उनकी मर्जी है। अयोध्या में जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, वो कोई रामलला के लिए नहीं कार्यक्रम कर रहे। अगर ऐसा होता तो पूरे देश को निमंत्रण जाता, पूरे देश को बुलाया जाता। लेकिन ये अपने अपने इंडिया के लोग कौन है, अपने चमचे कौन है, अपने ये कौन है, ये देख रहे हैं। भगवान के दरबार में हिंदू संस्कृति में और संस्कार में ये नहीं होता। तो हम क्या यहाँ बैठे हैं या पवार साहब या और कोई बैठा है क्या इन्विटेशन का इंतजार करते? जाएंगे बात, प्रभु श्री राम सबके है, जाना तो है हमको वहां। इसके अलावा राहुल जी की नया भारत नया यात्रा का ऐलान कर दिया गया है, मुझे लगता है। अब उसके ऊपर जैसे बीजेपी कोई भी तो अगर कार्यक्रम करती है, जैसे राम मंदिर का है, चुनाव को देखते हुए किया है, देश की जरूरत है इस प्रकार की यात्रा निकालना। इस देश में से सत्य और न्याय पूरा तरह से खत्म हो गया है। जब राहुल जी ने पहली यात्रा निकाली थी तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ने का काम किया, लोगों के मन जोड़ने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया। अब इस देश से संविधान, न्याय, सत्य ये बचाने का काम करना है, और इसीलिए वो संकल्पना लेकर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर चल रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि उनके सामने कोई चुनाव की मंजिल है या और क्या है, बस एक नेता निकला है, लोग उनके साथ चलेंगे। सामना में लिखा गया है कि देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है वो एक ही उद्योगपति को दी जा रही है, प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं किस तरह से करें? सामना में जो लिखा है वही आप आगे चलाइए। अब छत्तीसगढ़ का जंगल जा रहा है, जंगल तो रहने दो। प्रभु श्री राम को जो अनुवास मिला तो जंगल में रहना पड़ा, बाद में वापस अयोध्या में आ गए। अगर फिर एक बार हमको अगर जाना है हमारे संस्कृति के अनुसार जंगल में, तो ईश्वर के लिए तो जंगल बचाइए। हाँ, जंगल में तो प्रभु श्री राम रहे थे, ईश्वर सब पूरे भगवान रहे थे। आप पूरे जंगल भी तोड़कर आप किसी उद्योगपति को दे रहे हो, और आदिवासी जो ये आपके कार्रवाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ के जंगलों में, हरदेव जंगल में,
संघर्ष कर रहे हैं, आप उनको तो जेल में डाल रहे हो। इसलिए तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है ना, न्याय देने के लिए। तो एक उद्योगपति को पूरा देश, अब जंगल भी, धारावी की झोपड़पट्टी भी, सब कुछ एक व्यक्ति को अगर मिल रहा है या दिया जा रहा है, इसका मतलब आपको समझना चाहिए। एक दिन मुझे लगता है मुझे बोलना नहीं चाहिए कि अयोध्या का 7-12 वो भी किसी उद्योगपति को दिया जाएगा। हर काम में उनका व्यापार और व्यवहार है। क्या नंबर वन पर डॉक्टर है हरणवीर जी, उनके पास जानकारी है, मुझे नहीं लगता। अच्छी बात है, अयोध्या के नाम से अगर रिबिलिटेशन को जाना जाता है तो उसमें टीका करने टिप्पणी करने लायक क्या है? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विकास भी करो, नाम मत बदलो। तो बघा, आमंत्रणाचं राजकारण या देशात कधी झालं नव्हतं। भारतीय संसदेचं उद्घाटन झालं तेव्हाही हा प्रकार झाला। भारतीय संसदेचं उद्घाटन झालं नव्या तेव्हाही हा प्रकार झाला। आता राम मंदिराच्या बाबतीत आयोजित हे सुरू आहे। हे सगळे सोहळे एका पक्षाचे आहेत, हे देशाचे नाही, याला राष्ट्रीय स्वरूप नाही आहे। अगर इस प्रकार से कोई कार्यक्रम होता है होतात तेव्हा त्याला एक राष्ट्रीय स्वरूप आणा चाहिए। ये राष्ट्र को समर्पित है, चाहे देश की नई संसद हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिसका इतना भी योगदान नहीं है, जिसे हमारे मराठी में कवरी भर बोलते हो, 4 आने का योगदान नहीं है, वो हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन करेंगे या बनाएंगे? अयोध्या के संघर्ष में जिसका योगदान नहीं है वो आज सबसे आगे है। राजनीति ऐसी होती है। और हम मानते हैं कि जिसकी सत्ता है वो इस प्रकार के काम करते हैं, करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है वो बहुत पवित्र काम करने जा रहे हैं, नहीं, ये देश का संस्कार और संस्कृति उसे मान्यता नहीं देती। आम्ही आमचं रक्त दिलेलं आहे, शिवसैनिकांनी रक्त, घाम आणि अश्रू दिलेले, बलिदान दिलेलं आहे, एक लक्षात घ्या। आता जे काय देत आहेत हा भारतीय जनता पक्षाची ही प्रचार यंत्रणा। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।